नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही अलग रेसिपी बताने जा रही हूँ। सब लोग अब आम का नया अचार डाल रहे हैं, तो पुराने अचार का मसाला बच जाता है। लोग आम तो निकाल कर उसमें से खा लेते हैं कच्चा आम, लेकिन मसाला अक्सर रह जाता है, तो उसका यूज़ मैं आज बता रही हूँ। तो हम इसके लिए जो मोटी मिर्च आती है उसमें इसको स्टफ करके बहुत अच्छी मिर्च फ्राई की रेसिपी बनाएंगे। तो आइए इस भरवा मिर्च को बनाते हैं जो पुराने अचार के मसाले से होगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये आम का अचार का मसाला लिया है, और आप चाहें तो इसमें आम के भी टुकड़े डाल सकते हैं हाथ से मैश करके या बारीक काट करके गुठली हटा दें। और इसमें कोई और मसाला हमें नहीं लेना है। तो ये मसाला हम देखिए लेंगे, और इसमें हम ये थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। और ये मैंने सौंफ को इस तरह से पीस लिया है, जो दरदरी कहते हैं जिसे, थोड़ा पाउडर है थोड़ी सौंफ है, बस हम इसमें ये डालेंगे, इससे थोड़ी फ्रेश खुशबू आएगी सौंफ की। और इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि अचार में बहुत नमक होता है। और ये देखिए, मैंने मोटी मिर्चियाँ ली हैं इस तरह से, इन्हें धोकर साफ़ करके बीच में जीरा लगा लिया है। तो अब इन्हें हम स्टफ़ कर लेंगे। अब ये आपके ऊपर, आप ज़्यादा मसाला खाना पसंद करते हैं या कम, उस तरह से इनको आप स्टफ़ कर लीजिए। और एक एक करके देखिए, मैंने सारी मिर्च तैयार कर ली है, तो ये बहुत ही अच्छा अचार बनेगा। तो आइए, स्टफ़ करने के बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये देखिए, मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो अचार का ही तेल ले सकते हैं। और उसमें इस तरह से इन सारी मिर्च को डाल देंगे, और ध्यान रखें कि इसे हमें ढकना नहीं है। मतलब ढकने से जब कई बार होता है कि भाप का पानी आता है, तो वो हमें नहीं करना है। इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरह से धीरे धीरे पलटते हुए पकाना है, और कोशिश करना है कि इन्हें थोड़ा हाफ कुक ही करें आप। और जिस तरफ से हो गई आप पलट दें मिर्च को, तो खुले में ही कढ़ाई में थोड़ा धीरे धीरे इनको पकाएं। और नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि अचार में बहुत नमक होता है, और अगर आपको पसंद है नमक थोड़ा तो ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही थोड़ी सी देर में हमारी ये मिर्च तैयार हो गई है, सिर्फ 5 से 7 मिनट में। और आप इन्हें रखिए, कई दिन ख़राब नहीं होती है, फ्रिज में रख लीजिए। तो इस टेस्टी सी मिर्च को बनाइए, पुराने अचार के मसाले का यूज़ कीजिए।